2014 से पहले किस तरह का देश के अंदर आतंक था, आतंकवाद था, नक्सलवाद था। आए दिन कहीं ना कहीं भीड़ वाले इलाके में आतंकी आते थे, बम फोड़ करके चले जाते थे। 2014 के बाद कोई आया क्या? और आया, एक बार गलती की तो उसको जवाब कैसा मिला भाई और बहनों बता तो दो, अंदर घुस के मारने का काम किया कि नहीं किया? 2014 से पहले किस तरह का देश के अंदर आतंक था, आतंकवाद था, नक्सलवाद था। आए दिन कहीं ना कहीं भीड़ वाले इलाके में आतंकी आते थे, बम फोड़ करके चले जाते थे। बम्बई और पुणे तो उसकी गवाह है, आपने देखा है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद कोई आया क्या? 2014 के बाद आया क्या? और आया, एक बार गलती की तो उसको जवाब कैसा मिला भाई और बहनों बता तो दो, अंदर घुस के मारने का काम किया कि नहीं किया? अंदर घुस करके उसको सबक सिखाने का काम किया कि नहीं किया? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हम बहुत जल्दी भूलने वाले हैं, हम भूल जाते हैं, इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं 2014 से पहले किस तरह की स्थिति होती थी। और आपने अगर परिवर्तन देखा है, 2014 के बाद हमने गरीब की परिभाषा बदली है। इस कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ के नारे देकर के वोट मांगे थे। अरे भाई, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ के नाम पर वोट मांग लिया, राजीव जी ने मांग लिया, बीच में मनमोहन सिंह जी भी गरीब हटाओ का नारा दे करके चले गए, सोनिया गांधी भी गरीबी हटा रही हैं, अब राहुल गांधी भी गरीबी हटाने का नारा दे रहे हैं। अरे भाई, ये कब तक चलेगा तुम्हारा? आप बताइए कब तक चलेगा? लगातार चल रहा है, यही चलेगा क्या? अरे गरीबी हटाने का काम अगर इस देश के अंदर किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2014 के बाद 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर करने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अरे गरीब की परिभाषा आप क्या जानो? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गरीबों के बैंक में खाते खुलवाए। अरे कांग्रेस राज में खाते की तो बात छोड़िए, मेरा गरीब व्यक्ति तो बैंक की चौखट पर नहीं जा सकता था, चौखट पर नहीं जा सकता था। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण से लेकर के देश के विकास से लेकर के सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया में देश का गौरव और सम्मान बढ़ाने से अगर काम किया है तो देश के